हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस क्यों टूटा और क्या इसमें अभी आपको निकल जाना चाहिए अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो, या फिर आपको इसमें भी बाय करना चाहिए अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अगर कोई और अलग फैक्टर्स हैं उससे पहले हम कंपनी क्या काम करती है हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसके शेयर के अंदर गिरावट होना मतलब एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन कंपेरिजन टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो भाई साहब, ये जो कंपनी है ये रिफाइनिंग में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ये कंपनी काम करती है। मतलब क्या कहते हैं कि रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बनाती है। कंपनी का मेन काम पेट्रोकेमिकल्स में भी है और कंपनी क्या कहते हैं कि बेसिक केमिकल्स का मैन्युफैक्चर का काम भी कंपनी करती है। फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन कंपाउंड, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर इन प्राइमरी फॉर्म्स। तो ये कंपनी का जो मेन काम है, ये कंपनी के मेन काम्स हैं। और इसके अलावा कंपनी अभी मेन डिजिटल सर्विसेज पे भी फोकस कर रही है जिसके अंदर मेन कंपनी का जियो के अंदर बड़ा फोकस लगा हुआ है और उसके ग्रोथ के चलते मुकेश अंबानी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई साहब रिलायंस का शेयर फॉल क्यों हुआ। अब इसके चलते अगर आप देखोगे कि जो ऑयल है उसके अंदर कंपनी का जो धंधा है वो खासा कम हो गया है और कंपनी को जो मेन रेवेन्यू हो रहा है वो जियो के अंदर से ही हो रहा है। तो कंपनी के अगर जो रिजल्ट आए हैं अभी तो कंपनी के रिजल्ट को अगर हम देखें तो उसमें ये दिखता है कि कंपनी के रिजल्ट खासे ही बेकार आए हैं क्योंकि कंपनी का ऑयल का धंधा, पेट्रोकेमिकल्स का धंधा, ये केमिकल्स का धंधा, फर्टिलाइजर्स का धंधा खासा ही डाउन हो गया है और लगभग 30,000 करोड़ की लगभग रेवेन्यू में डिक्रीमेंट देखने को मिला है कंपनी के। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है और इसी के चलते लोगों ने इसको एक नेगेटिव फैक्टर देख लिया। और मेन दिक्कत ये है क्योंकि एक रिलायंस का शेयर कब से एक मतलब 2200-2300 के ऊपर अटका हुआ था और उसी के बाद क्या कहते हैं कि मतलब एक नेगेटिव न्यूज़ आई तो उसके बाद क्या वो शेयर क्रैश करेगा, सीधी सी बात है। और अगर वहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती तो शेयर 2600-2700 भी चला जाता। लेकिन अब हमको देखना है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो हमको वो देखना है। और अगर जो तीसरा मेन रीजन है वो ये है कि रिलायंस डील विद फ्यूचर ग्रुप। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपको पता नहीं हो कि रिलायंस की अभी कुछ ही दिन पहले फ्यूचर रिटेल के साथ डील हुई थी कि रिलायंस फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर कर देगा, लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद अमेजोन ने उसके ऊपर केस किया और उनको फ्यूचर रिटेल को नोटिस भेजा कि 5% टेक हमारे पास है और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के रिलेटेड आप किसी को भी 2022 तक उनके बिना पूछे किसी को भी टेक नहीं बेच सकते। तो उन्होंने ये केस सिंगापुर में किया। तो सिंगापुर में भी रिजल्ट आया कि अब शायद से मोस्टली मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर रिटेल शायद रिलायंस को नहीं मिलेगा। तो इसके चलते भी शेयर क्रैश हुआ है, मतलब ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये थोड़े रीजंस हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन असली रीजन जो होता है वो ऑपरेटर खुद चलाता है। वो अपने मनपसंद से कभी भी शेयर को गिरा देता है और कभी भी बढ़ा देता है। और इसमें क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाता है और वो अपने शेयर होल्डिंग को सेल कर देता है। तो आप में भी अगर 1000 रुपये तक इस शेयर को खरीद रखा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कंपनी के कुछ मतलब प्राइस एक्शन को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है। तो भाई साहब, ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। 1,200,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये तो कुछ भी नहीं है। शेयर क्रैक होने के हिसाब से लगभग 1,50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में गिरावट हुई है। पहले कंपनी ने 1,400,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी छू लिया था और आज तक कोई भी इंडियन कंपनी 1,400,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के वैल्यूएशन पे नहीं पहुंची है। तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनी खासी बड़ी है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसके अंदर क्रैश आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आपने आज देखा होगा कि निफ्टी 50 लगभग क्या कहते हैं कि एक फ्लैट कारोबार कर रहा था क्योंकि रिलायंस में खासा गिरावट थी। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर था। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस का 14% वेटेज है और अगर रिलायंस जैसी कंपनी अगर 8-9% गिरेगी तो निफ्टी 50 कैसे बढ़ेगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडस्ट्री का पीई है 39 चल रहा है, और जबकि आपको इसका पीई सिर्फ 29 के पीई पे मिल रहा है। तो भली शेयर अभी 1800 रुपये पे, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया मतलब सस्ता शेयर हो गया अभी ये। पहले लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़िया शेयर नहीं है, मतलब थोड़ा वैल्यूएशन शेयर का प्राइस ज़्यादा हो गया। हाँ ज़्यादा हो गया था, लेकिन अगर कंपनी के भी अर्निंग्स आती तो उसके हिसाब से वो वैल्यूएशन सही हो जाता। लेकिन अभी अर्निंग्स कम हो गई है तो वैल्यूएशन शेयर का वैसे ही गिरेगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के मुकाबले शेयर आपको अभी सस्ता मिल रहा है। अगर आप इसके बुक वैल्यू की बात करोगे तो भाई साहब बुक में भी कंपनी की जो वैल्यू है वो खासी स्ट्रॉन्ग है। 736 की कंपनी की बुक वैल्यू है, तो शेयर ज़्यादा महंगा भी नहीं हुआ है, अभी 2.55 के पीबी रेशियो पे ही चल रहा है। जबकि कंपनी का जो मेन धंधा है अभी, जो जहाँ पे मुकेश अंबानी जी मेन फोकस कर रहे हैं, वो है जियो का धंधा और रिलायंस मार्ट का धंधा। अगर वो धंधा थोड़ा अच्छे से बढ़ भी जाता है तो कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ेगी और उसी के साथ कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो भाई साहब कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है, ये ग्रोथ स्टॉक से, तो इसके अंदर आप ज़्यादा डिविडेंड पर फोकस नहीं कर सकते। मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी फिर से री इन्वेस्ट कर देती है और कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो कंपनी मेन डिविडेंड नहीं देती है, ज़्यादा देती है। इस बार कंपनी ने सिर्फ 6.5 रुपये का दिया था और पूरे साल का लगभग इतना ही डिविडेंड है। तो आप इसमें डिविडेंड के बेसिस पे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का अच्छा है, 63.29 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, जबकि कंपनी के शेयर होल्डर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और उसके मुकाबले भी अगर कंपनी का 50 से ज़्यादा का अर्निंग पर शेयर है तो वो खासा अच्छा है। अगर इसके डिलीवरी की बात करें तो देखिए आज मार्केट भले ही उड़ गया, मतलब कंपनी का जो शेयर है वो भले ही 8% टूट गया है, लेकिन तो भी 23% लोगों ने डिलीवरी ली है। मतलब 100 में से 23 लोगों ने अपनी मुट्ठी में माल लिया है, और जबकि 77 लोगों ने शायद इंट्राडे किया होगा, शॉर्ट सेल किया होगा, जो भी किया होगा। तो अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, और इसका जो मार्केट लॉट है वो एक है, मतलब एक शेयर आपको मिनिमम आप ले सकते हो इसके अंदर ऐसा। अब कंपनी के रेवेन्यूज और इसकी उसकी बात कर लेते हैं। अगर इसके 2020 मतलब मार्च 2020 तक की बात करें तो कंपनी खासे अच्छा परफॉर्म की है, और कंपनी ने लगभग अच्छा परफॉर्म ही किया है। मतलब हर साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो फिर भी थोड़ी कॉन्स्टेंट रही है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में हर साल इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो भाई साहब कंपनी एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अब थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत हो जाती है, लेकिन अभी मेन दिक्कत यहाँ पे क्या हो गई है कि रिलायंस का जो मेन धंधा है वो अभी जियो में चल रहा है, बाकी सब धंधे फ्लॉप हो रहे हैं, और इसीलिए अंबानी जी को भी ये पता पड़ गया है, इसीलिए वो अभी मेन अपना फोकस रिलायंस मार्ट जिसका धंधा सबसे बढ़िया चल रहा है, और अपना क्या कहते हैं कि जियो जिसका कि धंधा अभी मतलब फ्यूचर में जिसका एक स्कोप है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उन धंधों पर फोकस नहीं कर रहे जिनमें जिनका फ्यूचर में स्कोप कम होने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की है 50.48%, और ये मेन इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग मतलब जो कंपनी के मेन ओनर जो कि मुकेश अंबानी जी खुद हैं और उनकी फैमिली, वो मेन प्रमोटर होल्डिंग के अंदर आते हैं। लेकिन भाई साहब इसके अंदर FII की होल्डिंग खासी अच्छी है 25%, DII की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है 13%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी 5% है। तो मतलब शेयर की जो होल्डिंग्स है वो लगभग 43% बड़े लोगों के पास है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 11% की होल्डिंग है। तो मतलब शेयर के अंदर इतनी खासी अच्छी गिरावट आना, तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से तो ये गिरावट नहीं है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि अगर गिरावट आई है जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग पड़ी हुई है, तो मतलब कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें से माल काटा है आज बहुत अच्छे तरीके से। तो हमको ये देखना है कि क्या इस शेयर में आपको बने रहना है या नहीं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और कंपनी की टॉप लाइन की बात की जाए तो भाई साहब कंपनी की टॉप लाइन आप देख सकते हो कि हर साल अच्छी खासी बड़ी है, जो कि कंपनी का रेवेन्यू होता है वो भी हर साल लगभग अच्छे खासा बढ़ ही रहा है। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो 23,000 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो एज कंपैरिजन टू 2019 कंपनी का क्या कहते हैं 39 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा है। तो भाई साहब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अब कंपनी एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गई है कि जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करना एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 39,000 करोड़ का एक साल के अंदर प्रॉफिट करना बहुत बड़ी बात होती है।
अब आप यहाँ से सोच रहे हो कि कंपनी 60,000 करोड़ कमाए, 80,000 करोड़ कमाए, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है। क्योंकि तो अभी आप पेट्रोलियम वाला धंधा देखोगे, एक फर्टिलाइजर इसका धंधा देखोगे, तो इसकी डिमांड अब थोड़ी कम हो गई है, तो इसके चलते रिलायंस का धंधा थोड़ा कम होगा ही। तो इसलिए आपको इतना पैनिक नहीं होना है, अपना इन्वेस्टमेंट पे बना रहना है। तो हमको बस क्या कहते हैं कि बाय ऑन डिप करना है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक हो चुका है। अब कंपनी के पर शेयर रेशियोज की बात करते हैं। अगर आप कंपनी के पर शेयर रेशियोज की बात करेंगे तो 2019 के मुकाबले पर शेयर रेशियो मतलब अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो ये मत देखिए अब क्यों, क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ी है, कंपनी के जो टोटल अर्निंग्स है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर बढ़ा है, तो अर्निंग पर शेयर क्यों घट रहा है, क्यों गिरा है मतलब, तो आपको ये डाउट होगा। तो भाई साहब अर्निंग पर शेयर का गिरने का मेन कारण यही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मार्केट में ज़्यादा हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जब मार्केट में ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपनी जितना अर्न करती है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को उससे डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर कम आ जाता है। लेकिन अगर आप कंपनी के बुक वैल्यू की बात करो तो बुक वैल्यू कंपनी की खासी अच्छी खासी बढ़ी है, और मतलब एक हर साल मतलब 50-60 रुपये बढ़ी रही है। तो 50-60 रुपये हर साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है और अपने जो लाइबिलिटीज़ है उसको कम करती जा रही है कंपनी हर साल। तो ये एक पॉजिटिव बात है कंपनी के दायरे से। अगर कंपनी के मार्जिन रेशियोज की बात करें तो कंपनी का जो ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो हर साल कॉन्स्टेंट ही रहा है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अब हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी कंपनी का हर साल कॉन्स्टेंट ही रहा है, मतलब आप आधे एक परसेंट को एक वो नहीं बोल सकते। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कंपनी का गिरा है, और ये क्यों गिरा है आप सभी जानते हैं, क्योंकि कंपनी का पेट्रोलियम का धंधा थोड़ा बंद होने आ गया है। बंद तो क्या मतलब, एकदम जितना पहले धंधा चलता था अब उतना धंधा नहीं है, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं रही है। तो अभी अंबानी जी मेन जियो और इसके ऊपर रिलायंस मार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए अभी वो जियो मार्ट को भी लेके आए हैं, और वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी में डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन क्यों घटा है, क्योंकि तो डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर बहुत सारी कंपनी कंपटीशन में है, जिसके चलते अंबानी जी को थोड़ा सा मार्जिन परसेंटेज कम रखना पड़ रहा है। अगर आप जियो को भी देखोगे तो जियो एक ऐसे प्राइस पे आपको क्या कहते हैं कि सर्विसेज दे रहा है जो कि पहले मार्केट में कोई भी नहीं देता था। आपको इतना पैनिक भी नहीं होना चाहिए। अब आप मार्केट को देखोगे कि जियो मतलब भारतीय एयरटेल, भले उसका पहले 23,000 करोड़ का लॉस आया था और एक बार सिर्फ 800 करोड़ के लगभग कंपनी का लॉस आया, तब भी शेयर लगभग 100 रुपये का मूवमेंट दिखा चुका है। अब आप ये देखिए कि जब लॉस में कंपनी आ जाती है तो उसके शेयर को भगा देते हैं, और जो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है जबकि मार्केट में उसी का कॉम्पिटिटर लॉस कर रहा है, तो ये आप देख सकते हो कि मतलब ये मार्केट में ऑपरेटर्स का ये सब खेल होता है। अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज कंपनी का गिरा है, और ये कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव बात है। अब ये क्यों नेगेटिव बात है, क्योंकि तो भाई साहब मुकेश अंबानी जी ने पिछले 6 महीने में 2.5 लाख करोड़ रुपए ले लिए हैं, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और अगर हम DIIs की भी बात करें तो इन दोनों के मिला के कम से कम कंपनी के अंदर 2.5 लाख करोड़ का क्या कहते हैं इनफ्लो हो गया कैश का, इसीलिए और इसी के चलते कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही जितना कि कंपनी कैपिटल और रही है। तो ये कंपनी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। अब ये क्यों दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कंपनी भले ही कितना भी ज्यादा पैसा डाल दे वो 40,000 करोड़ के लगभग ही प्रॉफिट कमा पा रही है, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। अगर उससे ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो उसके डिजिटल सेक्टर में कंपनी को ज्यादा अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, और मुकेश अंबानी जी भी उसमें ही फोकस कर रहे हैं। अगर वो 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और इसके शेयर प्राइस में भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर इसके ROCE की बात करें तो ROCE में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ROCE में ज़्यादा दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि तो कंपनी का जो डेट है वो थोड़ा नी के बराबर हो चुका है, ज़्यादा कंपनी का भी डेट बचा नहीं है, और मुकेश अंबानी जी ने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो फिस्कल ईयर 21 के एंड तक क्या कहते हैं कि अपनी कंपनी को डेट फ्री बना देंगे। तो इसमें ROCE में ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन रिटर्न ऑन इक्विटी में बात है दिक्कत की। अगर हम इसके रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज की बात करें, मतलब एसेट से कितना रिटर्न मिल पा रहा है कंपनी को, तो इसमें भी डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो मतलब कंपनी के जो एसेट्स है वो भी धीरे धीरे NPA बनते जा रहे हैं, तो इसमें भी कंपनी को सोचने की जरूरत है।
अब यहाँ पे कंपनी के करंट रेशियो की बात करें तो भाई साहब कंपनी का करंट रेशियो और क्विक रेशियो मेरे को बहुत आश्चर्यजनक हुआ ये देख के, क्योंकि कंपनी का करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों ही एक से कम है, ये कंपनी के लिए एक दिक्कत की बात है। लेकिन हमें पता है कि कंपनी के पास कैश खासा अच्छा है, अब हो सकता है कि स्टॉक वगैरह का थोड़ा दिक्कत हो, उसके चलते करंट रेशियो दिक्कत में दे सकता है, लेकिन कंपनी के अंदर कैश फ्लो अच्छा है तो करंट रेशियो को भी ये एक से कम है तो ये कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात जरूर है। लेकिन ये कंपनी के पास अगर कैश फ्लो अच्छा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कैश फ्लो बढ़िया रहता है तो कंपनी को करंट लाइबिलिटीज पे करने में कोई दिक्कतें नहीं होती है। अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो पिछले साल से 0.6 की गिरावट देखने को मिली है और ये बहुत बढ़िया बात है। और अभी तो मुकेश अंबानी जी ने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो फिस्कल ईयर 21 तक अपनी कंपनी को डेट फ्री बना देंगे और ये रेशियो आपको 0.00 दिख जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी जो भी पैसा कमाएगी वो अपने शेयर होल्डर्स को देगी डिविडेंड के फॉर्म में और बाकी का पैसा फिर से री इन्वेस्ट करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के नज़रिए से। अगर इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का गिर रहा है, लेकिन अब इसमें हमको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी ने बोल दिया है कि वो अपनी कंपनी को डेट फ्री बना देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें 5-6 महीने बाद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी जी ने बोल तो दिया, क्या वो कर पाएंगे? अब क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर कंपनी के पास एक अच्छा कैश इनफ्लो हो रहा है, उनके शेयर होल्डर्स से खासा अच्छा पैसा मिल गया उनको टाइम टू टाइम पे, उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का मार्केट से पैसा उठा लिया, उनके शेयर होल्डर मतलब इतना कंपनी ने स्टेक खरीदा हुआ है, मतलब लगभग उन्होंने 25% स्टेक लोगों को बेचा है, तो अच्छा खासा पैसा कंपनी के पास आया है, तो अब उस पैसे को कंपनी थोड़ा अपना आउटपुट बढ़ाएगी, अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज करेगी, फिर धीरे धीरे अपने डेट को पे कर देगी। अब पूरा एक टाइम से तो उसको पे नहीं करेगी ना, कंपनी ने पैसा क्यों लिया? एकदम से डेट पे करने के लिए थोड़ी ना लिया, कंपनी ने पैसा इसलिए लिया ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ा सके, मतलब अपने क्या कहते हैं कि अपने बिजनेस को और बढ़ा सके, मतलब अपने शेयर होल्डर्स को और अच्छे रिटर्न दे सके, इसलिए कंपनी ने और पैसा लिया है ना, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के नजरिए से। अब कंपनी के सेल्स परसेंटेज पे नज़र डालते हैं, भाई साहब 2018 में कंपनी का सेल्स परसेंटेज सिर्फ 1.42 था, और फिर 2018 के लगभग ही शायद जियो आ गया था, और जियो के बाद आप देखिए 20.76 और एक बार 25%, तो मतलब 20% से ऊपर सीएजीआर सेल्स परसेंट में बहुत बढ़िया मानता हूँ, तो इसमें भी एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अगर इसके नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट परसेंटेज भले ही थोड़ा गिरा है, अब इसमें क्यों गिरा है क्योंकि ये मैंने आपको रीजन पहले ही बता दिया, क्योंकि मार्केट में जिस सेक्टर में अंबानी जी को ग्रोथ दिख रही है उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और उसमें कम प्राइस पर अभी अंबानी जी को सर्विसेज देनी पड़ रही है। अभी मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ कि ये देखिए, ये एक पहली इंडियन कंपनी है जिसने कि 10 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया है, तो ये खासी बड़ी कंपनी है। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अगर इसके अंदर और अच्छी खासी गिरावट आती है तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। अगर इसके एम्प्लॉयज़ की बात करें, मतलब जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कंपनी ने 1,95,618 एम्प्लॉयज़ को काम पे रख रखा है, तो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 2 लाख के अराउंड लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय भी कर रखा है, मतलब इतने सारे लोगों को काम पे रख रखा है। और क्या कहते हैं कि मैन आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, मतलब 1.1 करोड़ इन्होंने क्या कहते हैं कि लोगों की ट्रेनिंग पे भी इतना पैसा इन्होंने लगा रखा है, तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही डायरेक्ट पैसा डाल दिया, मतलब ट्रेनिंग के ऊपर भी ये ध्यान देते हैं। और ये क्या कहते हैं कि अगर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी की बात करें प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा कस्टम और एक्साइज ड्यूटी मुकेश अंबानी जी पे करते हैं, अंबानी जी मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज पे करती है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब खुद ही खा रहे, मतलब सोसाइटी को भी खिला रहे हैं। भाई साहब 1,15,461 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटर हर साल में ये करते हैं। और ये देखिए कि भाई सैपलिंग प्लांट की इन्होंने अभी तक 2.2 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब 2 करोड़ 20 लाख के भी ज़्यादा इन्होंने सैपलिंग को प्लांट किया है, और 9.9 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी इन्होंने क्रिएट की है इंसेप्शन के बाद, मतलब 9.9 करोड़, मतलब लगभग अराउंड 10 करोड़ कंपनी ने क्या कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कैपेसिटी को क्रिएट किया है।
और अगर लोकल कम्युनिटीज के बारे में बात करें तो कंपनी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट भी 1022 करोड़ का एक्सपेंस किया है। तो मतलब कंपनी यू की नहीं अकेला अपना पैसा कमा के अपनी जेब में डाल रही है। 1022 करोड़ खासा बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 1022 करोड़ यानी लगभग, और ये आपको पता होगा कि अंबानी जी के स्कूल्स भी चलते हैं जिसके अंदर वो लोगों को फ्री में एजुकेशन देते हैं, और कुछ उनका प्राइवेट स्कूल भी है जिसके अंदर बहुत नी के बराबर फीस है। और इसने क्या कहते हैं कि 3500 करोड़ का लाइफ भी टच हुआ है इंसेप्शन के बाद। और अगर कस्टमर चैन सप्लायर्स की बात करें तो अनपैरेलल्ड एसेस टू डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स एंड हाईएस्ट क्वालिटी 5G रेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म। और ऐसा भी मार्केट में चल रहा है कि सबसे पहले आपको पता होगा कि भारतीय एयरटेल अब 5G स्पेक्ट्रम के लिए बिड नहीं करेगा, तो वोडाफोन आइडिया के पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो 5G लगा सके। तो अब यहाँ पे एक ही बचा है बंदा जो कि मुकेश अंबानी जी की जियो, जो कि सबसे पहले इंडिया में 5G लेके आएगी। और मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप कोई भी फ़ोन ले रहे हैं अभी नया फ़ोन, तो आप उसको 5G लीजिए, क्योंकि 5G इंडिया में 5-6 महीने में लॉन्च होने वाला है। अब ये कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी की रिटेल बिजनेस की बात करें तो कंपनी के क्या कहते हैं कि 1,62,936 करोड़ कंपनी का क्या कहते हैं कि रेवेन्यू है। और उसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें रिटेल से तो 9,654 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को रिटेल सेक्टर से मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का ये जो लार्जेस्ट सेक्टर है जो कि क्या कहते हैं कि रिटेल के अंदर धंधा कर रहा है, डिमांड भी है ये भी है, लेकिन इसका क्या कहते हैं कि ज़्यादा धंधा एक्सप्लोर है डीमार्ट का राजस्थान के अंदर, तो बहुत कम स्टोर है, जबकि राजस्थान क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिलायंस मार्ट का कहीं ना कहीं स्टोर है ही है। अगर इसके डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज से कंपनी को खासा अच्छा रेवेन्यू हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा लगभग इसी के अंदर हुई है। मतलब जितना कंपनी को रेवेन्यू मिला है ना उसके मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी खासी अच्छी है, तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को डिजिटल सर्विसेज से मिल रहा है। अगर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसका एक नेटवर्क 18 वाला जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद रखा है, जो कि इंडिया का सबसे मोस्ट डाइवर्सिफाइड मीडिया और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कंपनी का 617 करोड़ का कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है और रेवेन्यू 5,500 करोड़ के लगभग का है। और अगर रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इसमें है, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत यह है इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो गिर चुका है। और इसके अंदर कंपनी क्या कहते हैं कि देखिए आप रेवेन्यू कंपनी का लगभग 4,004,00,000 करोड़ के लगभग का है और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है। अगर यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स में भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू मिला है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हुई है। अगर कंपनी के एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन ये इतना खास नहीं है, मतलब कंपनी का मेन धंधा अगर देखा जाए तो वो है डिजिटल सर्विसेज और रिटेल सेक्टर और रिफाइनिंग वाला सेक्टर, लेकिन रिफाइनिंग का धंधा थोड़ा फ्लॉप होने लग गया है और धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि मुकेश अंबानी जी इसको धीरे धीरे क्लोज करने का भी उनके ध्यान में होगा और डिजिटल सर्विसेज को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने का उनके ध्यान में होगा। अब कंपनी के रिटेल स्टोर्स की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी के रिटेल स्टोर्स की बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो कंपनी के 11,784 रिटेल स्टोर्स हैं। और रिटेल एरिया की अगर बात करें मिलियन, मतलब 28.7 मिलियन स्क्वायर फीट कंपनी की क्या कहते हैं एरिया रिटेल एरिया, मतलब इतने में कंपनी के रिटेल स्टोर बने हुए हैं और ये हर साल अच्छी मात्रा में बढ़ रहे हैं। और अगर इसके जियो के सब्सक्राइबर्स की बात करें तो जियो के सब्सक्राइबर्स हर साल बढ़ रहे हैं और अभी तो कंपनी एक जियो गीगा फाइबर लेके आ गई है जो कि अभी सिर्फ चालू हुआ है। अब जबकि जियो गीगा फाइबर का धंधा अच्छा खासा बढ़ जाएगा क्योंकि भाई डिजिटल सर्विसेज और जियो गीगा फाइबर का धंधा तो जरूर चलने वाला है, क्योंकि जिस प्राइस पर अंबानी जी ने जो सर्विसेज दी हैं वो कोई शायद ही कोई और दे पाएगा उस प्राइस पर। अगर क्यूम्युलेटिव रीच की बात करें तो ये भी हर साल बढ़ रही है, मतलब कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स को देखोगे तो फंडामेंटल्स एकदम पॉजिटिव है और अगर हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको फंडामेंटल्स ही देखने होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कंपनी को फ्यूचर रिटेल नहीं मिल रहा है तो कंपनी का धंधा फ्लॉप हो जाएगा। भाई साहब ये फ्यूचर रिटेल से पहले ही ये शेयर 2000 ऊपर पहुंच गया था, फ्यूचर रिटेल तो सिर्फ एक नजरिया था कि शेयर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाने का,
अब फ्यूचर रिटेल की डील नहीं मिल रही है तो ऑपरेटर ने माल काट दिया। अब ये थोड़ा क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक करवाने का होता है। अभी उनको लग रहा है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो क्या मालूम कि शेयर अच्छा खासा गिर जाए, तो उन्होंने पहले प्रॉफिट बुकिंग कर दी। अब मेरे को लग रहा है कि अब निफ्टी के गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि रिलायंस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1600-1700 तक जा सकता है, क्योंकि रिलायंस एक बहुत मजबूत शेयर है। अब इसके सोशल मैट्रिक को देखें तो सोशल मैट्रिक के अंदर कंपनी का अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए तो वो 668 करोड़ के लगभग है। सोशल मैट्रिक मतलब कंपनी ने कितने प्लांट उगाए उसके ऊपर। अगर इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर देखें तो कंपनी ने लगभग 2500 करोड़ उसके ऊपर भी खर्च किए। मतलब कंपनी क्या कहते हैं कि डायरेक्ट कुछ काम वगैरह नहीं करती है, रिसर्च करती है, देखती है कि मार्केट को क्या ज़रूरत है, मार्केट के अंदर क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी के चलते कंपनी इम्प्रूवमेंट दिखाती है। अब आपको पता होगा कि जब कंपनी ने जियो आया था कंपनी का, तो जियो कितना बढ़िया चला था, क्योंकि कंपनी को पता पड़ा कि भाई मार्केट में लोगों को लूटा जा रहा है। एयरटेल 450 रुपये में जब 1 GB दे रहा था, लेकिन जब जियो ने देखा कि यहाँ पे अपने डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है इंडिया के अंदर, कि लोगों को लूटा जा रहा है और आगे चल के सब कुछ डिजिटल होने वाला है, तो उन्होंने फिर जियो को लॉन्च किया। फिर आप देख सकते हो कि अब जियो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और इसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए नेशनल एक्चीव एक्स चेकर में, तो इसमें भी कंपनी ने 1,15,461 करोड़ का कंपनी ने इसमें भी एक्सपेंडिचर किया है। तो मतलब कंपनी बहुत बढ़िया है, सोशल मैट्रिक में भी ध्यान रखती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाती है, देखती भी है मार्केट को क्या ज़रूरत है और क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब इसके ग्लोबली वैलिडेटेड वैल्यू क्रिएशन को अगर हम देखें, तो अगर आप देखेंगे कि जियो के जो टोटल सॉल्यूशंस है वो अप्रोच करते हैं बाहर के बिजनेस मॉडल्स को, तो अगर आप इसमें देखोगे कि जो कंपनी का जो है ना, मतलब ये जो आपको मैं शो कर रहा हूँ ना, ये कंपनी के पास मतलब कितना वो है ऐसा, तो ये दिस वुड प्लेस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड अमंग द टॉप 5 इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन विद इन जस्ट 3.5 years ऑफ लॉन्च ऑफ कमर्शियल सर्विसेज। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये क्या है कि इतना पैसा इन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप फेसबुक की बात करोगे तो फेसबुक ने भाई साहब 43,574 करोड़, जो कि अगर आप देखोगे कि फेसबुक जो है वो यूएस की एक टॉप क्लास कंपनी है, जिसने क्या कहते हैं कि रिलायंस के अंदर लगभग 9% टेक लिया हुआ है। तो अगर आप इसमें अगर टोटल सब के मिला के अगर आप बात करोगे तो इन सब ने मिला के लगभग 1,15,000 करोड़ का क्या कहते हैं कि इतना पैसा कंपनी को दिया है अभी पिछले ही 6 महीनों के अंदर। तो इतना अगर इन मेन कंपनीज का अगर 12,00,000 करोड़ के लगभग का 1,15,000 करोड़ तो इन कंपनीज का ही है। तो जब तक ये कंपनीज अगर तक अपना कोई स्टेक नहीं हटाती, जब तक तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई भी कंपनी अपना थोड़ा सा भी स्टेक सेल करती है, तो मेरे ख्याल से उस वक्त आपको सबसे पहले रिलायंस को सेल करना चाहिए। अब ये इसके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब ये रिलायंस डिजिटल, जियो डिजिटल लाइफ, रिलायंस रेस्क्यू, ट्रेंड फुटवेयर, ajio.com, रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट प्रिंट, जियो मार्ट, रिलायंस मार्केट। मतलब भाई साहब कंपनी का बिजनेस बहुत एक्सप्लोर है। मतलब एक धंधा नहीं चला तो दूसरा धंधा चलेगा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा चलेगा। भाई साहब ये सिर्फ ऑपरेटर आपको पैनिक कर देता है, मेरा मानो तो भाई साहब ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए इस शेयर के अंदर, और इसमें बाय ऑन डिप बनता है। मतलब शेयर गिरे ले लो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप 3-4 महीने के बेसिस पे मत देखो, आप 5-6 साल तक देखो, कम से कम 5-6 साल का इन्वेस्टमेंट आपको एकदम अच्छा खासा रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू FD। अब यहाँ पे मैं एक इसका रिलायंस का चार्ट लेके आ गया हूँ। अब इसमें रिलायंस के चार्ट में हम देखेंगे कि रिलायंस के अंदर क्या अभी भी और वीकनेस है, क्या फिर इसमें अभी कोई वीकनेस नहीं बची है। तो ये जो ग्रीन लाइन है वो 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा रही है, जबकि ये वाली जो लाइन है ये बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड होता है ये वो दिखा रही है, और जो ये ब्लैक लाइन है वो अपने क्या कहते हैं कि जो मूविंग एवरेज की जो मतलब बॉलिंजर बैंड की जो मिड लाइन होती है, इसको आप एक तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज भी बोल सकते हो, और ये वाली जो लाइन है ये बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड दिखा रहा है, और ये वाली जो लाइन है ना,
ये आपको 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा रही है, और जो रेड वाली लाइन है वो आपको क्या कहते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो होता है ना लाइन, वो आपको मिड लाइन होती है ना, मतलब एक तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज ये आपको दिखा रहा है। तो अगर आप शेयर की आज बात करोगे तो ये बॉलिंजर बैंड का जो इसका लोअर बैंड है उसके नीचे आज रिलायंस ने क्लोजिंग दी है, और अगर आप इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करोगे तो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि जो कंपनी की ग्रीन लाइन है, 20 डे और 5 डे मतलब 20 डे मूविंग एवरेज से तो कंपनी ने पहले ही क्लोजिंग दे चुकी है कंपनी, तो तब से कंपनी के अंदर वीकनेस तो पहले से ही दिख गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो कंपनी अभी आपको 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोजिंग हुई है और 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोजिंग हुई है, और कंपनी का जो बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड होता है, ये जो लास्ट वाला जो ब्लू कलर की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये कंपनी की उसके अंदर दिख रही है। ये देखिए आप, ये वाली लाइन जो है, ये ब्लू लाइन जो है ये कंपनी की दिखा रही है लोअर बैंड, ये जो ग्रीन लाइन है ये कंपनी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो काली लाइन है ये काली लाइन दिखा रही है कंपनी के 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी का शेयर खासा वीक हो गया है, क्योंकि कंपनी ने अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिए तो वो लंबे समय के लिए वीक रह सकता है अगर इसमें अगर अभी फ्रेश बाइंग चालू नहीं होती है। तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए भाई ये जो शेयर है ये ऑपरेटर द्वारा चलाया जाएगा, क्योंकि 90% होल्डिंग अपने बड़े लोगों के पास ही पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप करना है, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। बहुत ही बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, मेरा मानो ना तो 10 साल के लिए शेयर को रख दो, मतलब एक तरीके से पैसा डाल के भूल जाओगे ना, वो एक ऐसा स्टॉक ये कहलाएगा। और अगर हम इसके दूसरे की बात करें, अगर आप इसका MACD चार्ट देखोगे तो MACD चार्ट में भी आपको यहाँ पे वीकनेस नज़र आ रही है, सॉरी हाँ MACD चार्ट में भी आपको यहाँ पे वीकनेस नज़र आ रही है, MACD चार्ट भी थोड़ा बियरिश क्रॉस ओवर दिख रहा है, और इसमें अगर आप देखोगे कि लगातार इसमें बियरिश क्रॉस ओवर दिख रहा है। तो अगर हम इसके इंडिकेटर्स, अगर बॉलिंजर बैंड मूविंग एवरेज और MACD चार्ट को देखा जाए तो शेयर में खासी वीकनेस नज़र आ रही है, और मेरे ख्याल से इस शेयर में अभी भी थोड़ी और गिरावट बाकी है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि अभी ये कुछ और दिखा रहा है, लेकिन आप इसके पूरे दिन की कैंडल को देखोगे तो पूरे दिन के कैंडल के अंदर एक बियरिश मारुबोजू बन रहा है। तो बियरिश मारुबोजू क्या शो करता है, बियरिश मारुबोजू मतलब लंबे समय तक के लिए शेयर क्या कहते हैं बियरिश हो सकता है, और इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी जो क्लोजिंग है अगर आप वो भी देखोगे तो क्लोजिंग भी शेयर ने लगभग अपनी जो क्लोजिंग है मतलब उसके लो के आसपास दी है। तो शेयर अगर इस लो को भी तोड़ता है, मतलब अगर जो कंपनी का जो लो था वो लगभग 1850 के लगभग था, अगर उसको और तोड़ता है तो कंपनी अगर शेयर आपको कल 1800 तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो अब कंपनी के शेयर का थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं, ये तो हमारा प्राइस एनालिसिस था, अब हम कंपनी के हाई को देखते हैं। भाई साहब कंपनी का जो हाई है वो लगभग 23,070 के लगभग है, तो 23,070 यानी कि कंपनी लगभग वहाँ से अभी आपको ये 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, और मेरा तो ये मानना है मतलब कुछ अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज वालों ने भी इसका जो वीक रिव्यू दे दिया, बोले कि इसका जो पेट्रोकेमिकल्स वाला धंधा है, रिफाइनिंग वाला धंधा है, वो थोड़ा बढ़िया नहीं चला है, तो इसके चलते शेयर का गिरावट दी है। मतलब एक कोई कंपनी है मैकर करके कुछ कंपनी है, नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को, उस कंपनी ने 1200 का कंपनी का मतलब शॉर्ट सेल करने के लिए बोला है और 1200 का टारगेट दिया शॉर्ट सेल करने पे। तो वो मतलब कंपनी मतलब 1200 मतलब यहाँ से लगभग 600 यानी कि कम से कम 30-40% की गिरावट और देखने को मिल सकती है उनके कहने से, लेकिन और ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज ने बोला है कि आप इसको बाय कीजिए। तो भाई साहब आप इन सब फैक्टर से दूर रहिए, आपको देखना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, आपको देखना है कंपनी फंडामेंटली कैसी है। अगर कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है ना तो भाई साहब अपने आपने जिस प्राइस पे लिया है ना उस प्राइस से नीचे भी आ जाना आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके प्राइस से भी नीचे आ जाना तो आप बाय करते रहिए। अगर आपको भरोसा है नहीं कंपनी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, इसका मार्केट का मतलब जो इसका CEO है उसका जो स्कोप है उसका क्या सोचना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, तो आपको वो सब देखना चाहिए। और अंबानी जी का एक कंटिन्यूअसली कैसा परफॉर्म करते आए हैं, और अंबानी जी एक हटके भी खेलते हैं,
तो मेरे को लगता है कि या तो ये शेयर 1700 तक जा सकता है, 1700 तक जाता है, बाय कीजिए, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ए मतलब एफडी करवाते हो ना आप 10 साल तक, वैसे 10 साल तक इसमें पे एफडी करवा दीजिए, और एफडी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा रिटर्न होगा, ये शेयर के लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं किसी और शेयर के लिए गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन इस शेयर के लिए गारंटी मैं दूंगा, क्योंकि ये शेयर फंडामेंटली बहुत बढ़िया शेयर है। मेन डिजिटल है, इनको पता है। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी जी को नहीं पता है कि उनका जो रिफाइनिंग वाला धंधा है वो इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। उनको पता है कि इसमें डिमांड कम हो गई है, इसलिए वो मेन अभी फोकस डिजिटलाइजेशन पे कर रहे हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो शेयर में बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 900,000 पे खरीदा हुआ है तो अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और गिरे और ले लेना। अगर प्रॉफिट बुक करना हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके पास रिलायंस के शेयर्स पड़े हुए हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनको पैनिक नहीं होना है और शेयर को नहीं बेचना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको किसी और शेयर का एनालिसिस चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।